आज है तीज। काली चाय पी हो, फिर से कहना। शायद मैं भी जाऊँ मम्मी के साथ मंदिर। मम्मी कुछ ऐसी लग रही है। स्पॉट बॉय, तुम अभी काम से निकलते हो, निकलो। मौके पे चौका मारते हुए मांगटिका पहन के देख लिया एक। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। आज है तीज और हैप्पी तीज सभी को। और मेरी मम्मी तैयार हो रही है शायद। मम्मी आप तैयार होना शुरू हो चुकी हो। तुम्हारी ये दिखा लेते हैं। फिर से कहना। अरे कहो का। तो मेरी मम्मी रेडी होना शुरू हो चुकी है। आज सुबह हर बार हर तीज में हम लोग उठ जाते थे सुबह में, जब सुबह में वो कुछ खाते पीते हैं 4 बजे के करीब। इस बार पता नहीं नींद ही नहीं खुला बेचारी, अकेले पता नहीं क्या बनाए क्या खाए। कुछ नहीं बना, चाय बनाती। खाली चाय पी हो। तुम कौन से पकवान देती हो? अरे नहीं, मतलब कि फिर भी हम लोग जैसे कि जबरदस्ती कुछ कुछ। खुद ही सोई थी मैं तो, उठ गई थी। अच्छा ये उठी थी तो ये बताना चाहिए ना मुझे। तो मम्मी रेडी हो रही है, अभी मंदिर जाएंगे शायद। मम्मी मंदिर जाओगी ना? हाँ। तो मंदिर जाएंगे तो शायद मैं भी जाऊँ मम्मी के साथ मंदिर। ये एज यूजुअल मुंह फुला के लड़ झगड़ के बैठी हुई है, मम्मी का मांग टीका पहन करके अपने आप को बहुत होशियार समझ रही है, पर है नहीं। आपको तो पता ही है कितनी होशियार है ये। और उसके बाद मैंने भी मौके पे चौका मारते हुए मांग टीका पहन के देख लिया है कि मुझ पे कैसा लग रहा है, जो कि बिल्कुल भी मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने इसको निकाल दिया। तो मम्मी रेडी हो चुकी है, रेडी हो चुकी है और हम अभी करेंगे उनका फोटोशूट। आपको मैं इधर से दिखाती हूँ। मम्मी कुछ ऐसी लग रही है। तो नून को पिन अप कर रही है मम्मी। तो अब बारी है फोटोशूट की। मम्मी उधर जाओ, इस तरफ अच्छा, उस तरफ का अच्छा इधर है। मम्मी का पोज देखो, मम्मी थोड़ा पोज वोज चेंज किया जाता है। मम्मी काम करने जाने वाला पोज नहीं बनाना। ठीक कर रही है सर, ऐसे ये मम्मी के साथ पोज बना देती हूँ। कैमरामैन स्पॉट बॉय, स्पॉट बॉय तेरा। रुको रुको, उधर देखो, उधर देखो, उधर तक हम। हाँ सर पे लगाओ। मम्मी ऐसे करो, ऐसे तो नहीं बनेंगे। इतना छोटा पालू क्यों? मम्मी ऐसे, ये स्पॉट बॉय अच्छा काम नहीं कर रहा, पैसा नहीं मिलेगा इसको। वही तो, तनु बहुत छोटा है वो। मम्मी इसे पूरा घूंघट ले लो, इससे बेटर घूंघट ले लो। अरे यार चलो ना, ये क्या है? आप लोग का हो गया तैयारी? मुझे बस कर। स्पॉट बॉय तुम अभी काम से निकलते हो, निकलो। स्पॉट बॉय का काम जैसे कि आपने देखा, काफी स्ट्रगल के बाद फोटो शूट हो चुका था और मम्मी अब लग गई है अपनी फेवरेट काम में, मतलब कि अपनी बहनों से बात करी। देखिए सारे मेरी मौसी लोगों का फास्ट है तो उन लोगों से बात कर रही थी वीडियो कॉल में। ये देख लीजिए, ये मेरा इज्जत का डब्बा बनना चाह रही है। Oh my God, कटप्पा नहीं बाहुबली बनना चाह रही है। तुमको मैं बोली कटप्पा बनना चाह रही, क्या पागल हो गया क्या? कटप्पा के पास पे, कटप्पा के पास पे बाहुबली कटप्पा टकला था, तो तुम भी टकली कम हो गया। ये गाइस बहुत टकली है, ये हेयर एक्सटेंशंस करवाती है। यस, ओ माय गॉड, मेरा खुलासा हो गया, मेरा ये सब मेरे नकली हेयर है। मैं आप जब खोलूंगी तो मतलब ये वाला तो ये पूरा यहाँ बीच में टकला। लड़की समझ नहीं पाएगी लड़की है। ये थोड़ी पागल है, इसकी बातों को आप इग्नोर कर सकते हैं जी। तो भैया भैया जाने, भैया के चले जाने के बाद क्या है? भाई बोल ले एक बार भैया, वो बच्चा नहीं है। हम खाते थे, खाते खा लो कितना।
तो तनु भी उसी की कैटे मतलब अभी फ्रेंड है। कौन थी क्योंकि खाते खाते जो चीज है ना वो बोल रहा था और ये करती है जी। और दूसरे मिनट तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आई थी पर मुझे मैं भूल चुकी हूँ। हमारा कोई बात इम्पोर्टेंट होता है? जी हाँ, मेरा हर एक शब्द इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। चौटाला मुखी FIR नहीं देखती थी? उसमें चौटाला मुखी थी, उसका नाम चौटाला था। नहीं मैं चौटाला मुखी बोलती थी। तो क्या करोगी तुम? डुम्बकलोल थी इसीलिए। तो मैं ना बहुत इम्पोर्टेंट कुछ बोलने वाली थी बट मैं भूल चुकी हूँ बहुत ही बुरी तरीके से। फिर मैं जब याद आएगा तो फिर मैं इस चीज़ के साथ वापस आऊँगी और कहा इसका सफर लेता आप इसको इग्नोर कर सकते हैं हमेशा के लिए। जी उसी तरह से जैसे मैंने इग्नोर किया है। हमने इग्नोर नहीं, हमने बेइज्जती के सामना की। कोई बात नहीं, अगर तनु का दो तीन दिन जब ब्लॉग बनता है तो उसमें अगर नाक कान आंख सूजा हुआ दिखे तो कोई इशू नहीं, आप समझ जाइए। ठंड लग गई है। आप समझ जाइएगा कि जरूर उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। आप जो ये पहले जो अपने स्क्रिप्ट लिखी हो याद करके। कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ लोगों को बोल देना देना चाहिए। क्या कि तुम पागल हो? कन हो गया अब ये सब। अब पानी तो नहीं लग रहा दीदी। नहीं तनु पानी नहीं लग रहा है, पानी नहीं लग रहा है। उतने देर तक ठीक था। रात को मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी का थोड़ा तबीयत खराब हो गया था फास्ट की वजह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।